In this lecture, we will solve question number 2 of NCERT Chemistry Class 9. The question is, convert the following temperatures to the Kelvin scale. A में है 25 degree Celsius और B में है 373 degree Celsius. ये temperatures obvious हैं, Celsius में given है, आपको Kelvin में convert करना है. तो Kelvin में convert करने के लिए एक relation होता है, K is equal to 273 plus C. यहाँ पे यदि आप C की numerical value put करते हैं, तो Kelvin में temperature convert हो जाएंगे. तो आइए सॉल्व करते हैं A को. K हो जाएगा 273 plus temperature है 25 और इसको यदि आप करते हैं, तो ये Kelvin में आएगा. ओके? यदि आप इसको add करते हैं, तो ये आता है 298 Kelvin. तो 25 degree Celsius is equal to 298 Kelvin. B में है, फॉर्मूला आप लिख लीजिए, K is equal to 273 plus C. अब C की जगह पे आप 373 पुट कर दीजिए. 373 यदि आप डालते हैं और इसको यदि आप ऐड करते हैं, तो ये टेम्परेचर आएगा केल्विन में. ओके? और यदि आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 646 केल्विन. तो 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 298 केल्विन एंड 373 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 646 केल्विन. तो इसमें इम्पोर्टेंट है कि ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए. आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.